मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मंदिर, ये इबादत गाहें। मस्जिद में मौज़िन अजान देकर खुदा की इबादत के लिए लोगों को आवाज़ देता है, तो गिरजाघर शांति के संदेश के लिए खामोशी से लोगों को दावत देता नज़र आता है। वहीं गुरुद्वारा अरदास के लिए जाना जाता है। मंदिर की घंटियाँ मन को मोह लेती हैं। सबकी अपनी इबादत, सबका अपना तरीक़ा, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। शायद ये बात इन सभी इबादत गाहों में एक सी होगी। हाँ, इतना पक्का है कि किसी भी इबादत गाह में दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहा जाता होगा। जब लोग इन इबादत गाहों की तरफ रुख करते होंगे तो दिल में खुदा कहिए, गॉड कहिए या फिर ईश्वर, उसका खौफ जरूर होगा। लेकिन दादरी के दरिंदों को शायद इस बात का खौफ नहीं था। तभी तो जिस लाउडस्पीकर से भजन और घंटियों की आवाज गूंजती थी, उसी मंदिर से ऐसा ऐलान किया गया जिसने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश, दादरी का दर्द। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदो से ता हमारा। आज दादरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अफसोस किसी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि एक दाग के साथ। एक ऐसा दाग जिसने दिलों को छलनी कर दिया, आंखों में आंसू दे दिए, खाली हाथ मसलने पर मजबूर कर दिया। आज दादरी की गलियों में खामोशी है, लेकिन इस खामोशी से सियासी गलियारों में गर्मजोशी है। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबकी अपनी अपनी सफाई, लेकिन वो क्या करे जिस परिवार की दुनिया उजड़ गई। पहले दादरी के दर्द में डूबी इस रिपोर्ट को देखिए। मंदिर के लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी, भारी भीड़ इकट्ठा हुई और एक बुजुर्ग को मौत की आगोश में सुला दिया। मैंने ये इतनी आसानी से लिख भी दिया और कह भी दिया, लेकिन इतना सोचना मेरे लिए आसान नहीं था। इतना सोचने भर से रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अखलाक की उम्र 50 साल थी। दोष क्या था ये किसी को नहीं मालूम। एक अफवाह और एक ऐलान ने अखलाक के घर की दुनिया उजाड़ दी, आंखों में आंसुओं का सैलाब दे दिया, जिंदगी जीने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। अखलाक की मां जीते जीते मर गई, बेटी बेसुध है और बेटा अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। रिश्तेदार भी हैं, लेकिन कौन किसको संभाले और कैसे संभाले, ये समझना इन लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन खुद की आंखों में सैलाब है। अखलाक की बेटी के सिर पर मोहब्बत और दिलासे का हाथ है, लेकिन ये हाथ भी दुपट्टे से आंसू पोंछने पर मजबूर है। औरतों ने दिलासा देने के लिए सीने से लगा रखा है, लेकिन दादरी के दर्द से इनका सीना भी फटा जा रहा है। इस गांव में लोगों की आमद जारी है, गांव की गलियां जवानों के बूटों की आवाज से खामोशी को चीर रही हैं। दर्द का मंजर हर गलियारे में है। सियासी रहनुमा अखलाक की मौत पर रोटियां सेक रहे हैं, मीडिया ने गांव में डेरा डाल रखा है, सवालों की झड़ी लगी हुई, साथ ही जितने मुंह उतने जवाब। सच्चाई दिलों में है, लेकिन हकीकत मौत की हकीकत से कोसों दूर है। मार्फत राजैदी, चैनल वन न्यूज।
अखलाक नहीं है। मौत का दर्द जितना अखलाक के परिवार को है, शायद ही उस दर्द को कोई समझ पाए। इस परिवार और दादरी के दर्द पर सियासत अपने चरम पर है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ नेता इस गांव में जाकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस वारदात को सिर्फ एक हादसा करार दे दिया। अखलाक की मौत पर मजहबी गलियारों में, सियासी गलियारों में मजहब के रहनुमा अपनी रोटियां जमकर सेक रहे हैं। यूपी में दादरी का बिलसाडा गांव सियासत का अखाड़ा बन गया है। पहले AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने पहुंचकर अपनी सियासत गरमाई, तो उसके बाद केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा ने गांव में पहुंचकर बिना प्रशासन की इजाजत के ही पंचायत कर डाली। हालांकि इस मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही है, लेकिन महेश शर्मा ने फिर दोहराया है कि ये महज हादसा है। साथ ही ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर किसी को सियासत करने नहीं दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग और मीडिया वाले इस घटना को सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि गांव में राजनीति करने वालों को घुसने नहीं दिया जाएगा और इस समाज में सभी समुदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। महेश शर्मा ने कहा, ये लोग 70 वर्षों से साथ रह रहे हैं, इनकी दीवार से दीवारें मिली हुई हैं, इसे किसी भी तरह का योजनाबद्ध तरीके से बैठा हुआ क्राइम कहना उचित नहीं होगा और इसे सांप्रदायिक रंग देने का कोई। शर्मा ने उस मंदिर के अंदर गांव वालों को संबोधित किया जहां से अखलाक के परिवार के ऊपर गौमांस खाने का ऐलान किया गया था। शर्मा ने मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ा। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि शब्दों को बीच बीच में से चीर कर जो है मीडिया अपना काम कर रहा है, कृपया ना करें और राजनीति वालों को राजनीति करने दे। पक्षी आप मीडिया के चौथे स्तंभ, आपसे यह अपेक्षा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सुनिए उनकी भी आवाज, हम उनके भी साथ। हम कहें जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी होगा उन बच्चों को, इन बच्चों ने अपने आप उन बच्चों को दिया जाइए जांच कर। उधर अखलाक के घर वालों से मिलने पहुंचे ओवैसी ने PM नरेंद्र मोदी और राज्य की समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा। हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर हैं और अफसोस इस बात का है कि जिस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को परोत लिया है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो इस वाकये को कंडेम करते, अनकंडीशनल उसको कंडेम करते और इस बात का डिमांड करते, मुतालबा करते कि जिस किसी ने ये किया है इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि वो और उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट, जब ये सब बातें होती हैं, तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसको, उन अल्फाज को सिर्फ अल्फाज नहीं रखना चाहिए बल्कि उस पर अमल होना चाहिए। और इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कहकर, एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान तरीके से हुआ है, बाजाबता मंदिर से ऐलान हुआ, रूमर मॉन्गरिंग बोल रहे हैं, मगर एक तरीके से पूरा आकर यहाँ पर इनको मारा गया। कुछ भी कहिए, अखलाक तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अखलाक की इस मौत ने इन समाज के ठेकेदारों को लोगों के दर्द से खेलने का मौका जरूर दे दिया। मार्फत रज़ैदी, Channel 1 न्यूज। अखलाक की मौत साजिश थी या फिर एक हादसा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जांच बताएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं। कौन था पता नहीं, किसने मारा पता नहीं, कहां से आए थे पता नहीं। इस दादरी के दर्द में पता नहीं सबसे ज्यादा है। सब सच्चाई से बहुत दूर है, सच का कुछ पता नहीं है। या तो राजनीति के गलियारों में है या फिर बेशर्मी की चादर तान कर सो रहा है। लेकिन अखलाक के परिवार का क्या होगा जो आज मायूस है और लाचार है? गांव में क्या है, देखिए जरा इस रिपोर्ट को भी।
नोएडा के दादरी का बिलसाड़ा गांव। 4 फीट चौड़ी सड़क के मुहाने पर है अखलाक का घर। अखलाक जिसे सैकड़ों लोगों की खुराफाती भीड़ ने इसलिए मार डाला था क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि उसके घर में गौ मांस है। 4 दिन बाद भी गांव में किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने किया। अटैक करने वाले गांव के थे या बाहर के, चारों तरफ इस गांव की चर्चा है। यहां रहने वाले हिंदुओं ने कहा, हमने एक ऐसी मुस्लिम फैमिली को बचाया जिसमें 70 मेंबर हैं। ये छोटा सा गांव आज कभी संसद लगता है तो कभी विधानसभा। नेता यहां आते हैं, जमावड़ा लगाते हैं, फैसला सुनाकर चले जाते हैं और छेड़ जाते हैं ऐसी चर्चा जो अगले आने वाले तक जारी रहती है। ये गांव सियासत के लिए आज हॉट इशू बन चुका है। गांव में दाखिल होते ही हर मोड़ पर या तो पुलिस नजर आती है या सहमी सी सवाल उठाती नजरें। आवाजाही है तो सिर्फ नेताओं और मीडिया की। इस गांव की किस्मत अजीब है, कभी मस्जिद टूटी तो गांव वालों ने ही चंदा कर उसकी तामीर करा दी। लेकिन अफसोस, एक शख्स की जान जाती रही और गांव सोता रहा। गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई लेकिन कोई किसी को पहचानता नहीं। गांव के लोग हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सब इतना अच्छा ही था तो फिर अखलाक को मारने वाले कौन थे, किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, साहब रात हो गई थी, हम देख नहीं पाए। जब तक समझते लोग भाग चुके थे, हम तो सो रहे थे। अखलाक के बड़े भाई जमील अहमद को भी हत्यारों के बारे में कुछ नहीं पता। अखलाक के परिवार ने मौत का ऐसा तांडव देखा कि सच के सामने अंधेरे की चादर पड़ गई। मौत का खौफ इतना है कि इसमें कोई नामजद नहीं है। दरअसल बिलसांडा में 15,000 लोग रहते हैं, इनमें से 361 मुस्लिम है। अखलाक और उनके पड़ोसी का घर गांव के बीच में है। घटना के बाद गांव के ही हिंदू परिवार अखलाक के परिवार को अपनी सरपरस्ती में मस्जिद तक लेकर गए थे। अब इसको क्या कहेंगे, हमदर्दी या कुछ और, यह इस गांव की एक ऐसी विडंबना है जिसका कोई सानी नहीं। वहीं दूसरी तरफ गांव के मंदिर के माइक से ऐलान कर भीड़ को उकसाने वाले पुजारी सुखीराम लापता हैं। 3 माह पहले मंदिर का कामकाज संभाला था, तब वे कहां से आए थे, किसने उन्हें मंदिर की जिम्मेदारी दी थी, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस ने पुजारी से पूछताछ कर उसको छोड़ दिया है, अब कहां है ये किसी को पता नहीं। अफसोस, दादरी के इस गांव पर सब कुछ होता रहा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मार्फत रज़ैदी, चैनल 1 न्यूज। ऐलान हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई और एक परिवार से एक मौत हुई, लेकिन अफसोस किसी को कुछ पता नहीं। ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दादरी में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को बेशक शर्मसार कर दिया। हर तरफ अफसोस की एक लहर है, हर तरफ इस बात की चर्चा है, हर कोई इस बात की मजम्मत करता है, इसको बुरा कहता है, निंदा कहता है। इसी बीच देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अहम बयान दिया है। हामिद अंसारी ने कहा कि हर शख्स को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उनके मुताबिक हर व्यक्ति के जीने के अधिकार से ही कौमी एकता को ताकत मिलेगी और इसी से ही देश की तरक्की होगी। जानकार वाइस प्रेसिडेंट के इस बयान को दादरी में हुए मर्डर से छोड़ कर देख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये जो बयान है ये उसी के पस मंजर आया है। सीएम अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी धार्मिक किताब है और वो जाति और धर्म से अलग हटकर कभी जीवन रक्षा का अधिकार देती है। जीने का अधिकार हर नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि कौमी एकता जैसे सम्मेलन क्यों करवाने पड़ते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोग पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो आज सत्ता में हैं तो इसके एक्सपोर्ट पर बैन क्यों नहीं लगाते। अखिलेश ने आगे कहा, अफवाहों से होता नहीं कुछ, होता नहीं है, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ होता है। यहां पर दो बातें कही हैं, एक कुछ होता नहीं है और दूसरी बहुत कुछ होता है। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि गाय और सुअर के मीट को लेकर कानून बनना चाहिए। इन मीटों की वजह से मंदिर और मस्जिदों में झगड़े होते हैं, सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए। यूपी में भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार हो लेकिन आजम खान ने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आजम ने कहा था कि मोदी को अपने वॉलंटियर्स को ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब दादरी जल रहा है, जहां पर एक परिवार से एक मौत हो चुकी है और हर तरफ गाय के गोश्त को या फिर बीफ बैन को लेकर चर्चा है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि आखिर क्या हो, इस पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। गोश्त का टुकड़ा क्या मिला, हर तरफ हंगामा मच गया। वो गोश्त था किसका, गाय का या बकरे का, ये किसी को नहीं पता। जांच जारी है, हर तरफ दर्द है, लेकिन सियासतदान अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने हमारे संवाददाता रमनुष से क्या कहा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। सर, किस तरीके से देखते हैं कि दादरी मामले को कितना तूल दिया जा रहा है कि इस समय जो ओवैसी हैं वो खुद वहाँ पहुँच गए। देखिए, दादरी की घटना एक संवेदनशील और हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना की निंदा होनी चाहिए, न कि उस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। और बात की जाए कि प्रशासन की, जो प्रदेश के अंदर बात की जाए, तो कानून व्यवस्था किस तरीके से देखते हैं फिर ऐसी घटना होना, और कहीं ना कहीं वो एक अलग ही रूप लेती नजर आ रही है जिस तरीके की घटना हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए दादरी जैसी लगभग 350 से ज़्यादा घटना अभी तक इस हुकूमत में, इस सरकार में हो गई है। सपा समाजवादी पार्टी के सरकार में हो चुकी है। सरकार बिल्कुल फेल है, सरकार हर मुद्दे पर फेल है, सरकार की प्रशासनिक और नेताओं की क्षमता भी अब संकित होती जा रही है। पर वही बात की समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है मोदी सरकार के ऊपर कि आखिर जो मीट का एक्सपोर्ट है वो क्यों नहीं बंद कर देते, अगर ऐसी कोई बात है तो। देखिए, आज विपक्षी दलों का, खासतौर से विपक्षी दल की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ कुछ भी होता है तो उसकी उस समस्या को किसी अन्य से नहीं बल्कि सीधे मोदी जी से जोड़ करके देखने की एक फैशन चल निकला है। सरकार इससे बाज आनी चाहिए सरकारों को। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है उसको बाज आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून और व्यवस्था को भी प्रदेश सरकार को सुधारना चाहिए। और दादरी जिस तरीके से मामला उभर रहा है उसको कहीं ना कहीं जो लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं उससे परहेज करना चाहिए और जो सच्चाई है उसको सामने रखनी चाहिए ताकि कोई भी धार्मिक उन्माद ना फैल सके। कैमरा उपेंद्र के साथ रावण भट्ट, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। केंद्र राज्य पर और राज्य केंद्र पर आरोप मंड रहे हैं, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है, किस वजह से मौत हुई ये पता नहीं। वहीं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह इस मौत का दोष बीजेपी और समाजवादी पर मंडते नजर आ रहे हैं। अनीशा से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनते चलते हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपीएन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से दादरी में इंसिडेंट होता है, देश दहल जाता है, ऐसे में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इसको हादसे का नाम दे रहे हैं, तो वही ओबीसी जी ने कहा है कि मीट पर जो है लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश को धार्मिक प्रयोगशाला बना रखा है, वो हमने मुजफ्फरनगर के राइट से देखा। और आज हम नहीं कह रहे हैं, उस समय हमें हम पर उंगली उठाई जा रही थी। आज जो रिपोर्ट पेश हुई है, उस पर स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाई गई है कि मुजफ्फरनगर राइट्स को उन्होंने हवा दी कि उनके राजनीतिक समीकरण बन पाए। बड़े अफसोस की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपील करती है सारे राजनीतिक दलों से कि अलगाववाद, जातिवाद, धर्म और धर्मवाद को से अलग उठकर राजनीति करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां तक माननीय महेश शर्मा जी की बात है, जब एक केंद्र मंत्री इस घटने को गलतफहमी कहता है, इतने बड़े घटने को कहता है, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। हम ये जो घटना दादरी में हुई है, ये कोई धार्मिक उन्माद की वजह से नहीं है, पर एक विचारधारा जो को पनपा रही है भारतीय जनता पार्टी, उस विचारधारा को इस देश से बहुत नुकसान हो रहा है। और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पर जो हमने डेढ़ साल में देखा है, अलगाववाद, धार्मिक उन्माद बढ़ने का काम इस सरकार ने पूरे देश में किया है। पिछले कुछ दिनों में अगर देख ले देश में, जिस तरीके से मीट बैन, बीफ को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, राजनीति हो रही है लगातार, ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है, पिंक रेवोल्यूशन का हवाला देते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि मीट पे परमानेंट जो है सार्वजनिक रूप से बैन लग जाए। क्या कहेंगे कांग्रेस से इस बात को? देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण अपने इलेक्शन में दावे करते थे कि इतना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है कि सारा एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश, सारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूपीए सरकार ने किया और इस एक्सपोर्ट को हम बंद करेंगे। परंतु डेढ़ सालों में अगर किसी में तरक्की अगर भारत ने की है एक्सपोर्ट्स में, तो सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट्स में, मीट एक्सपोर्ट्स में की हैं। अब प्रधानमंत्री उस पर कुछ कहते तो मैं समझ सकता बेहतर होता। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, पूरा देश दहल उठा, ऐसे में प्रधानमंत्री खामोश है, प्रधानमंत्री अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, तो अगर इस विचारधारा के खिलाफ हैं तो उनको अवश्य ट्वीट करना चाहिए। जो कहते हैं, करनी और कथनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर करनी और कथनी में एक ही सोच है उनकी, तो उनको अवश्य इस पर कुछ ना कुछ कहना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे अरविंद सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगर कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो उनको इस पर जरूर बोलना चाहिए। साथ ही ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा के लोगों के कारण ऐसे हादसे होते, इस विचारधारा को मिटाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अनिशा गांगुली, चैनल वन न्यूज दिल्ली। सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है कि प्रधानमंत्री अभी तक खामोश है? एक गायिका के बेटे की मौत पर तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन अखलाक की मौत पर अभी तक खामोश हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि सांस्कृतिक मंत्री महेश अग्रवाल सिर्फ इसे एक मामूली बात कह रहे हैं। क्या यही भारत की संस्कृति है? मेरे साथ दादरी के दर्द में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।